फोर्थ में जो बरसात जब होती है तो आपके जो जहाँ पढ़ाई करते हैं, जिन कमरों में आप पढ़ाई करते हैं, पानी पूनी आता है वहाँ पे? बैठने में दिक्कतें होती हैं? आपके पास चेयर टेबल नहीं है बैठने को? किस में बैठते हैं? दरी में बैठते हैं, जमीन पे। उत्तराखंड के थराली से आ रही है बड़ी खबर। स्कूलों में ऐसी हालत हो गई है जिसे देख के आप भी कहेंगे कि इन्हें स्कूल कहें या कहें खंडर। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, यही तीन चीजें हैं जिनकी उन्नति किसी प्रदेश की उन्नति को बयां करती हैं। अब उत्तराखंड ने इस लिहाज में पिछले 18 वर्षों में कितनी उन्नति की है, ये सब जानने के लिए जरूरी है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से पहाड़ी राज्य के नाम से बने उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में बने स्कूलों की कुछ तस्वीरें देखना। तस्वीरें देखिए, कितना विकास हुआ है समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले की थराली विधानसभा में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बरसात के दिनों या तो स्कूल बंद रखना पड़ता है या फिर किसी दूरी या दूर जैसी जगह पर शिफ्ट करा दिया जाता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन तकनीकी तौर से ये बिल्कुल सत्य है। तस्वीरों में खंडर रूपी दिखने वाला विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैतौली। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ विकास खंड से लगभग 20 किलोमीटर दूरी डोंगरी क्षेत्र में पढ़ने वाला यह नन्हे मुन्ने बच्चों का शिक्षा का केंद्र अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। यह बदहाली के आंसू आज की सरकार को ही नहीं बल्कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से ऐसे विद्यालयों की नजरअंदाजी की गई है। विद्यालय भवन 60 से दशक के बने हुए हैं लेकिन अब इसे दुर्भाग्य न कहें तो क्या कहें। बेहतर शिक्षा का दावा करने वाली सरकारें एक बार भी विद्यालय भवन की मरम्मत तक ना करा सकी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन छोटे मोटे मासूम बच्चों को। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिन्हें भवन की खस्ताहालता को देखते हुए बाहर बरामदे में फटी दरियों पर बैठा जाता है। मिड डे मील का खाना ऐसा कि जिस पोषण के लिए ये योजना विद्यालयों में शुरू की गई थी वो पोषण सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सिमट कर रह गया है। हम तो कहते हैं शिक्षा महकमे के आला अधिकारियों और खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को विद्यालयों का औचक निरीक्षण करना चाहिए, जिससे उन्हें भी मालूम चले कि मिड डे मील जैसी महत्वाकांक्षी पोषाहार योजना में कितने प्रतिशत पोषक तत्व विद्यार्थियों के शरीर को प्राप्त होते हैं। दाल ऐसी कि दाल में डुबकी लगाकर ही दाना खोजना पड़ता है लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जगह जगह से वो उड़ गया, क्षतिग्रस्त हो गए, वो उड़ रहे हैं उसमें हवा में, ये सड़ गई है। बरसात के दिनों में कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? बरसात के दिनों में ऐसा है कि कभी हम ये बरामदे में ही स्कूल लगाते हैं और इस समय जो है नीचे दो अतिरिक्त कक्षाएं हैं इस पे स्कूल लगाते हैं। मैडम, बच्चों को दरी में यहाँ पे बिठाया गया है, क्या कुछ फर्नीचर वगैरह की कोई व्यवस्था शिक्षा विभाग से अभी तक? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे दरी में फटी दरियों में बच्चों को बिठाना पड़ता है? सर फटी, अब सर फट दरिया तो फटती रहती हैं, नहीं हिलाते रहते हैं। लेकिन विभाग को आप बोलते तो होंगे कि इस तरह की समस्याएं हैं, फर्नीचर का अभाव है, बिल्डिंग का अभाव है, ये तो आप बताते होंगे? बताते हैं, बार बार बताते रहते हैं, डांट देते हैं। लगभग कितने बच्चे यहाँ पे आपके पास अभी जो अध्ययनरत? 26 बच्चे हैं। अध्यापक कितने हैं? दो अध्यापक हैं। आज दूसरे अध्यापक दिखने को नहीं मिले? छुट्टी पे। कब से छुट्टी पे हैं? वो हैं 10 तारीख से छुट्टी। 10 तारीख से छुट्टी पे हैं, विभागीय छुट्टी। पढ़ते हो आप फोर्थ में? जो बरसात जब होती है तो आपके जो जहाँ पढ़ाई करते हैं, जिन कमरों में आप पढ़ाई करते हैं, पानी पूनी आता है वहाँ पे? बैठने में दिक्कतें होती हैं? आपके पास चेयर टेबल नहीं है बैठने को? किस में बैठते हैं? दरी में बैठते हैं, जमीन पे। नीचे पानी से टपकता है, बारिश से टपकता है, बच्चों को परेशानी होती है बारिश के दिन। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हमारे पढ़ते थे पहले, अभी आसपास के लोग आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे जी। तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना इन बच्चों को करना पड़ता है, क्या दुविधा के दिन तो छोड़ने भी जाना पड़ता है। परसों ही गया था मैं ऊपर करीबन 3 किलोमीटर दूर बच्चे को छोड़ने के लिए, कम आते हैं बच्चे उस दिन बारिश के दिन। और यहाँ पे फर्नीचर की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को जमीन में बैठाया जाता है? तो फर्नीचर की तो नहीं है, पहले से चटाई उटाई तो है,
चटाई भी है, दरी भी है, उसी में बिठाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो केवल मौन शिक्षा विभाग बैठा है। मौन नहीं, वो ला ही रहे हैं, हर साल ला ही रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, ये लाते ही रहते हैं। तो अंदर भी पटकी होगी, जब फट जाती है तो तब अंदर दूसरे बिछा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट, टीम टीवी न्यूज चैनल चमोली, उत्तराखंड।